हम इस्लामाबाद बिला वजह नहीं गए और ऐसे ही नहीं आए। फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद, कहा तुम्हारी जड़ें कट चुकी हैं, अब अपने दिन गिनते जाओ। वोट चोरी करके हुकूमत करने की इजाजत नहीं दे सकते। मुल्क को दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना होगा। बड़ा चोर दूसरों को चोर कह रहा है, हम मैदान में खड़े हैं, आओ मुकाबला करो। फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को चैलेंज कर दिया। वैसे नहीं गए थे और हम इस्लामाबाद से वैसे नहीं आए हैं। सबको चोर कहते रहे, ये चोर वो चोर, ये चोर वो चोर। इन्होंने कहा पाकिस्तान से बाहर 200 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, चोरी के डॉलर हैं, हम वो पैसा वापस लाएंगे। अब बयान दिया है कि बाहर कोई पैसा नहीं, तो फिर क्यों ड्रामे किए? मुल्क का इलेक्शन लड़ने वाले तुम, गांधी करने वाले तुम, इल्जाम हम पे लगाते हो। अब दोबारा कौम को अमानत वापस करनी होगी, दोबारा कौम को इलेक्शन की तरफ जाना होगा और अपने वोट का हक आपने लेना होगा। अगर तुमने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, तुम्हारी हुकूमत है, लाओ कोई केस, लाओ कोई मसला अगर तुम्हारे पास कुछ है। हमारे खिलाफ तुम्हारे पास गालियों के अलावा और कुछ नहीं। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जाती तौर पर आओ मेरे और अपने किरदार का मुकाबला करो। कहाँ तक जाना चाहते हो? हम मैदान में खड़े हैं।